हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई अनंत। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट सेट्स। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ताकि हमारे सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएं और जब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करें तो हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। देखिए, जो ये वर्ड है ना सेट, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो कि मैथमेटिक्स की हर फील्ड में आपको सुनने को मिलेगा। मैथमेटिक्स की हर फील्ड में आप देखेंगे कि सेट का कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से जब आप चैप्टर 2 पढ़ेंगे क्लास 11th में, तो रिलेशन एंड फंक्शन आपको तभी समझ आएगा जब आपका सेट क्लियर होगा। इसलिए चलिए शुरू करते हैं डेफिनेशन ऑफ सेट से। डेफिनेशन ऑफ सेट, तो डेफिनेशन क्या है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। सेट क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? ऑब्जेक्ट्स का। देखिए, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? इस दुनिया में जो भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग है वो एक ऑब्जेक्ट है। तो हमें क्या पता चला सेट की डेफिनेशन से कि एक ऐसा वेल डिफाइंड कलेक्शन, किसका कलेक्शन? ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन, वो क्या कहलाता है? सेट। अब देखिए, ये जो वेल डिफाइंड यहाँ पर लिखा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कलेक्शन तो बहुत सारे होते हैं, पर हर कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होता। जैसे एग्जांपल में देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ कलेक्शन ऑफ बेस्ट मैथमेटिक्स बुक, तो क्या ये सेट कहलाएगा? नहीं, ये सेट नहीं कहलाएगा, ये सेट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो कलेक्शन है ये आपके लिए अलग होगा और मेरे लिए अलग होगा। रहेगा तो ये बेस्ट मैथमेटिक्स बुक का ही कलेक्शन, पर ये मेरे और आपके लिए अलग अलग होगा। क्यों अलग होगा? देखिए, जैसे अगर मैं अपनी लिस्ट बनाऊँ मैथमेटिक्स बुक की, सपोज़ करिए ये मेरी लिस्ट है और ये आप लोगों की लिस्ट है, तो मैं इसमें अगर RS, RD और S चांद, इन तीनों बुक को मैं बोलती हूँ बेस्ट मैथमेटिक्स बुक। पर अगर मैं आपसे बोलूँ तो आप इसमें NCERT भी रख देते हैं और RS ही रहने देते हैं, तो ये आपका कलेक्शन हो गया बेस्ट मैथमेटिक्स बुक का। देखिए, है ये हम दोनों का ही कलेक्शन है, ये बेस्ट मैथमेटिक्स बुक का ही कलेक्शन, लेकिन इसके अंदर आने वाले जो ऑब्जेक्ट हैं वो क्या हो गए? बदल गए। तो क्या ये सेट रहेगा? नहीं, ये वेल डिफाइंड नहीं है। आप किसी तीसरे पर्सन से पूछेंगे वो अलग एग्जांपल दे देगा, तो इसे नहीं कहते वेल डिफाइंड। एक और एग्जांपल देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ कलेक्शन ऑफ, जैसे हम ले लेते कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया, तो क्या ये सेट है? नहीं, ये भी सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो वर्ड आ गया ना बेटा ब्यूटीफुल, ये इस कलेक्शन को सेट नहीं बनने देगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होगी। तो ये यहाँ पे क्लियर ही नहीं है कि आप ब्यूटीफुल को किस डेफिनेशन से बोलते हैं। तो आपके लिए कोई लड़की ब्यूटीफुल कैसे होगी ये हर इंसान को नहीं पता, और इसका एक परफेक्ट आंसर आपको सबसे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये भी एक कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं हुआ, इसलिए हमने इसको सेट नहीं बोला। तो ये दोनों ही एग्जांपल नहीं हुए सेट के। अब हम देखते हैं सेट का परफेक्ट एग्जांपल। अगर मैं आपको बोलूँ कलेक्शन ऑफ वॉबल्स, कलेक्शन ऑफ वॉबल्स एक एग्जांपल ये हो गया, और सेकेंड एग्जांपल में अगर मैं आपको बोलूँ कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। देखिए, कलेक्शन ऑफ वॉबल्स में हमारे पास ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। कलेक्शन ऑफ वॉबल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जिसमें ए, ई, आई, ओ, यू आ जाता है, तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है किसका? सेट का। देखिए, आप
दुनिया में किसी भी इंसान से पूछ लीजिए कि कलेक्शन ऑफ वॉवल्स क्या है, तो सब एक ही आंसर देंगे, ए ई आई ओ यू। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूँ कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, और क्योंकि ये तो इनफाइनाइट तक चले जाएगा, हम बोल देते हैं लेस देन 10, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक सेट आ जाएगा। ओके, उस सेट में कौन कौन आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल भी हैं, ये इवन भी हैं, और ये 10 से छोटे भी हैं। तो हमेशा आप इससे पूछिए कि कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो वो आपको यही एग्जांपल देगा, एग्जांपल नहीं सॉरी यही आंसर देगा। ऐसे ही आप किसी से पूछे कलेक्शन ऑफ वॉवल्स, तो वो आपको ए ई आई ओ यू के अलावा और कोई आंसर नहीं बताएगा। ओके, इसीलिए हम बोलते हैं कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इसलिए ये दोनों किसके एग्जांपल हो गए, सेट के परफेक्ट एग्जांपल हो गए। ओके, आई होप अभी आपको समझ आ रहा होगा कि सेट क्या है। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अगर समझ नहीं आ रहा है तो चिंता नहीं करिए, आगे चलते चलते हम इसको क्लियर कर देंगे। देखिए, इतना हमने पढ़ा, अब हम क्या देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर और एलिमेंट्स। अब हमने क्या देखा कि कोई सेट है, जैसे ये एक सेट हो गया था, ये क्या है, सेट है, ये भी क्या है, सेट है, और इस सेट के अंदर ये इसके एलिमेंट्स हो गए, और इस सेट के अंदर ये इसके एलिमेंट हो गए। अब देखिए, जो भी सेट होगा उसके अंदर जो इसके एलिमेंट होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे, उसको हम उसका मेंबर बोलेंगे, या फिर ऑब्जेक्ट को हम एलिमेंट बोलेंगे। तो बेसिकली ये जो तीनों वर्ड हैं, ऑब्जेक्ट बोलिए, एलिमेंट बोलिए, या मेंबर बोलिए, ये एक ही है। इस सेट का एक ऑब्जेक्ट है या एक मेंबर है या एक एलिमेंट है, ये इसका एक ऑब्जेक्ट है या मेंबर है या एलिमेंट है। तो ज़्यादातर वर्ड हम यूज़ करते हैं एलिमेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वी डिनोट सेट्स बाय कैपिटल लेटर्स। ओके, अब हमने क्या पढ़ा कि अगर मैं कोई भी सेट बोलूं, मैंने बोला एक एक्स सेट है जिसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट रखे गए हैं, तो जब मैं बोलूंगी एक्स सेट, तो उसका जो वर्ड है एक्स, वो मैं छोटा नहीं बड़ा बनाऊंगी, क्योंकि जो भी सेट है वो कैसे डिनोट किया जाएगा, कैपिटल लेटर से। ये भी हमने पढ़ लिया। अब देखिए, अब हम एक और चीज़ जानते हैं, क्या कि अगर मैंने बोला जैसे x एक सेट है जिसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे उसके क्या हैं, एलिमेंट हैं, तो मैंने बोला कि, या फिर हम बोल देते हैं a b c d e, देखिए ऐसा बोल दें, तो यहाँ पर जो ये a है, ये a और x, इनके बीच में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? कि ये जो a है ये इस x सेट का एक मेंबर है, मतलब जो a है वो x में बिलोंग करता है, इसलिए हम इस साइन का यूज़ करते हैं। ओके, e जैसा रहता है, जिसको हम रीड करते हैं belongs to, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं a इज़ एलिमेंट ऑफ x, या फिर a belongs to x। अब देखिए, अगर मैं यहाँ से a को हटा दूँ, तो x के बाद अब कौन कौन से एलिमेंट बचे, b c d और e। देखिए, सेट को लिखने का ढंग अभी हम सिखाएंगे, इसके अगल बगल ब्रेसेस लगाए जाते हैं, वो हम देखेंगे बाद में। ओके, अभी हमने क्या किया, इस x सेट में से a एलिमेंट को हटा दिया, तो जब ऐसा हो जाएगा तो हम क्या देखेंगे, लिखने का ढंग अब बदल जाएगा। क्या a x में बिलोंग कर रहा है? अब नहीं कर रहा, तो हम इस e को क्या करेंगे, काट देंगे। तो ई को जब हम काट देंगे, तो इसको हम रीड करेंगे ए डज नॉट बिलोंग टू एक्स। ओके, आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं कि अगर हमें सेट को डिस्क्राइब करना है तो हम कैसे करेंगे। तो देयर आर
two methods to describe a set. Set को describe करने की दो method है. पहली method का नाम है रोस्टर, या फिर इसको एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज टैबुलर. रोस्टर और टैबुलर फॉर्म. और दूसरी मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म. चलिए देखते हैं कि रोस्टर फॉर्म कैसी होती है और सेट बिल्डर फॉर्म कैसी होती है. तो सबसे पहले हम देखते हैं रोस्टर फॉर्म. तो बेटा इस फॉर्म में क्या होता है कि वी लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट विद इन ब्रेसेस एंड सेपरेट देम बाय कॉमास. तो इसमें हम जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको किसके अंदर लिखते हैं, मेंबर्स ऑफ द सेट आर रिटन विद इन ब्रेसेस. ब्रेसेस मतलब ऐसे दो ब्रैकेट होते हैं जिनके अंदर हम उसके मेंबर्स को लिखते हैं. और जब हम मेंबर्स को लिखते हैं तो उनको सेपरेट कैसे करते हैं, सेपरेट विथ कॉमास. कॉमा लगा लगा के हम उसको क्या कर देते हैं, सेपरेट करते हैं. तो रोस्टर फॉर्म जो होती है उसमें केवल अल्फ़ाबेट होता है या फिर नंबर्स होते हैं, वर्ड्स नहीं लिखे जाते. जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लीजिए एक सेट ए है जिसमें हम सारे फैक्टर लिख लेते हैं 24 के. ओके, एग्जांपल लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24. तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, देखिए अब मुझे डिस्क्राइब करना है इसको, इस सेट को मुझे डिस्क्राइब करना है कि वो एक ऐसा सेट है जिसमें 24 के सारे फैक्टर लिखे होंगे. देयरफॉर मैं इसको कैसे डिस्क्राइब करूँगी, ए सबसे पहले मैं ब्रेसेस लगाऊँगी. ये मैंने ओपन किया, अब मुझे पता है 24 किस किस के टेबल में आता है. 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, 12 में आता है और 24 में आता है. और फिर यहाँ पर मैंने इसे क्लोज कर दिया. तो ये रही बेटा रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म. इसमें या तो सिर्फ लेटर्स लिखे जाते हैं या तो सिर्फ नंबर्स लिखे जाते हैं. ओके, और उन लेटर्स या नंबर्स को कैसे अलग अलग किया जाता है, बाय कॉमास. तो ये हो गया एक नंबर का एग्जांपल. अब आपको एक एग्जांपल दे देते हैं जिसमें हम लेटर का यूज़ करेंगे. देखिए अब अपन क्या करते हैं, एक और सेट मान लेते हैं, लेट बी बी द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ कोई भी वर्ड ले लेते हैं ऑफ, जिसमें एक से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, ऑफ मेंबर्स, एम ई एम बी ई आर एस. तो अब हमें इसको सेट में डिस्क्राइब करना है. तो हम सबसे पहले लिखेंगे बी इज इक्वल टू, ये हमने ब्रेसेस लगा दिए. अब हमें क्या करना है, इसके मेंबर्स, अब हमने वर्ड मेंबर्स ले लिया तो उसके इस एलिमेंट्स को अब हम लिखेंगे इस सेट के. तो मेंबर्स के लेटर कौन कौन से हैं, एम है, कॉमा ई है. अब देखिए वापस एम आया, पर हम एक बार एम लिख चुके हैं. तो सेट की प्रॉपर्टी होती है कि जब सेट को डिफाइन करते हैं तो अंदर एक वर्ड या एक लेटर या फिर एक नंबर एक ही बार आता है, उसको हम रिपीट नहीं करते. तो एम और ई हमने लिख लिया, तो ये वाला एम अब हम फिर से नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे बी. अब देखिए ई वापस आ गया तो हम तो ई लिख चुके, तो हम ई वापस नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे आर कॉमा एस. अभी ये यहाँ लगना था. ओके, तो देखिए इस तरीके से हम सेट को डिस्क्राइब करते हैं. ये तो हो गई पहली फॉर्म. अब दूसरी फॉर्म देख लेते हैं जिसका क्या नाम है, सेट बिल्डर फॉर्म. सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म.
इसमें हम क्या देखेंगे कि जो इसका डिस्क्रिप्शन होता है इस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने इसमें बोला कि इसमें सिर्फ लेटर या फिर नंबर्स यूज होते हैं, तो इस वाले सेट बिल्डर फॉर्म में हम सिर्फ वर्ड्स का यूज करते हैं। हम क्या करते हैं कि वी लिस्ट द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। अब हमें क्या दिया रहता है, जैसे मैंने बोला था कि एक ऐसा सेट है जिसमें 24 के एलिमेंट है, तो ये इस स्टेटमेंट का रोस्टर फॉर्म में डिस्क्रिप्शन ही हो गया। अब जब सेट बिल्डर फॉर्म हम पढ़ेंगे तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें दी रहेंगी जिनका हमें वर्ड में ऐसे लिखना रहेगा। ओके, आई होप समझ रहे होंगे। आप देखिए एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म की डेफिनेशन क्या हो गई कि वी लिस्ट द प्रॉपर्टी, वी लिस्ट द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। देखिए ये जो भी स्टेटमेंट हमने लिखी इसको हम कैसे समझेंगे, पहले हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे तब जाके हमें ये समझ में आएगा। एग्जांपल देख लेते हैं कि राइट सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म देखिए, जब सेट बिल्डर फॉर्म हमें बनाने को मिलेगा तो उसका क्वेश्चन हमें इस तरीके से ही मिलेगा कि एक सेट दे दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा किसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। तो यहाँ पे साफ साफ क्या दिख रहा है कि जो ए है, ए यहाँ पर क्या है, सेट है। किसका सेट है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, पर एक कहाँ तक है, 7 तक है, तो अपन इसको बोल सकते हैं लेस देन। पर अभी जैसे मैंने बोला कि इसको ऐसा लिखना है, ये तो हमें समझना है कि ये जो चीज़ है वो कह ये रहा है, पर लिखने का ढंग यहाँ पर अलग हो जाता है। देखिए वो लिखना कैसे है, हम क्या लिखेंगे, वीडियो में आ रही है, चलिए अगले पेज पे देख लेते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, ये जो चीज़ हमने देखी कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 8, तो इसको लिखने का ढंग ये होगा कि हमने लिखा a इज इक्वल टू, इसके बाद हम खोलेंगे ब्रैकेट, ओके, फिर हम लिखेंगे कि यहाँ पर x इज टू x है, यहाँ पर x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर एंड x की वैल्यू 8 से छोटी है। देखिए क्या हो रहा है, ये समझिएगा, ए एक ऐसा सेट है जिसमें x एलिमेंट्स हैं। ये जो वर्ड पहले लिखा है x, ये क्या है, x एलिमेंट्स हैं। और फिर उस x को हमने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया कि x किस से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और वो 8 से छोटा है। तो देखिए x एलिमेंट है, तो हमने यहाँ पर देखा कि x एलिमेंट है तो a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 एलिमेंट हैं, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। तो हमने यहाँ पर लिखा कि x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 8, ओके। एक और एग्जांपल देख लेते हैं अगर अभी आपको क्लियर ना हुआ हो तो, कि एक सेट b ले लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर हम एलिमेंट्स लगा देते हैं 1, 2, 4, 7, 14, 20। देखिए यहाँ पे साफ साफ हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो B सेट है ये क्या है, सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 28। ये सारे नंबर 28 के टेबल में आते हैं, तो ये कैसा सेट हो गया। तो अब हमें क्या करना है, B को डिस्क्राइब करना है। तो देखिए इस तरीके से देखेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, क्या है फिर से, अब हम इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि इसमें x एलिमेंट है,
ये जो पहला वर्ड होता है ये बताता है कि एक्स एलिमेंट हमने ले लिया। अब हम इस एक्स को डिफाइन कर देंगे कैसे, कि ये जो एक्स है ये किस पे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर पे। ठीक है, ये सारे नेचुरल नंबर हैं इसलिए हमने बोल दिया एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड इसके बाद हम क्या बोलेंगे कि एक्स जो है कि एन को बिलोंग तो कर रहा है नेचुरल नंबर को, पर एक्स है क्या, तो एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 28। ठीक है, तो हम जैसे ये लिखेंगे तो हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही आंसर आएगा, तो ये क्या बन जाएगा वापस सेट बी। तो ये सेट बी रोस्टर फॉर्म में, ये सेट बी सेट बिल्डर फॉर्म में। अभी शायद आपको समझ आया होगा, बाकी की क्लियर, बाकी हमें कब क्लियर हो जाएगा जब हम एक्सरसाइज में देखेंगे। अब देखिए ये इतना बेसिक था जो हमें पहली एक्सरसाइज को सॉल्व करने में मदद करेगा। इसके बाद देखिए आपको कुछ डेफिनेशन रिकॉल करनी पड़ेंगी, वरना उसके बिना हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। डेफिनेशन जैसे नेचुरल नंबर हो गया, वैसे कई बच्चों को आता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं पर कईयों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। तो नेचुरल नंबर हुआ, इंटीजर्स हुआ कि इंटीजर्स किसे कहते हैं, ओके, और रैशनल नंबर हो गए, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स हो गए, और क्या बोल सकते हैं, इवन नंबर्स हो गए, ऑड नंबर्स हो गए, है ना, इरेशनल नंबर हो गए। तो जब हमें ये पता होगा तभी हम सेट के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि वो आपको बोल देगा कि बी एक सेट है जिसमें नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, बी एक सेट है जिसमें इंटीजर्स हैं यहाँ से यहाँ तक। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये सारे डेफिनेशन क्लियर हों। तो आपका ये होमवर्क रहेगा, जब हम अगली वीडियो में पहली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले इन्हें पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तब तक आप भी इनको पढ़ के रखिएगा। आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ आया होगा, अगर आपको समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।